हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़ी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉलिकुलर लिस्ट ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से रिलेटेड। और इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है खुराना सिंथेसाइज टू आरएनए। दो आरएनए का नाम दिया है यहाँ पे आपको। कौन कौन से दो आरएनए है? वन इज रिपीटेड सिक्वेंस ऑफ एबीसी, रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ए बी सी। एंड दूसरा जो ऑप्शन दिया है आरएनए बी विथ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ए बी और पॉलीपेप्टाइड कोड। मतलब यहाँ पे आपको दो टाइप के आरएनए दिए हैं। ओके, किसने? खुराना ने। क्वेश्चन देखो, अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन, और खुराना ने क्या किया, सिंथेसाइज किया है दो टाइप के आरएनए। पहला टाइप का आरएनए कौन सा? ये वाला। ये आरएनए के अंदर क्या है सीक्वेंस? ए बी सी ऐसा सीक्वेंस है। कहाँ पे? खुराना ने जो आरएनए बनाया ए बी सी सीक्वेंस। और दूसरा जो बनाया है आरएनए, ओके, ये पहला वाला ए बी सी था, और दूसरा वाला जो बी बनाया दैट उसके अंदर क्या था? ए बी ऐसा सीक्वेंस था ना, पेप्टाइड कोड बाय खुराना ने बनाया है। तो आपको इसका आंसर निकालना है रिस्पेक्टिवली ए बी, द पॉलीपेप्टाइड कोडेड बाय ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है आरएनए से क्या बनता है, आरएनए के ऊपर क्या है? कोडॉन है, और कोडॉन के अकॉर्डिंग क्या बनते हैं? अमीनो एसिड्स। तो आपको पता है यहाँ पे सभी कोडॉन जो है सेम कोडॉन है ना, सेम कोडॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा? सेम अमीनो एसिड भी बनेंगे। अगर कोडॉन सेम है तो अमीनो एसिड सेम बनेंगे, इसलिए इसका आंसर आता है होमो पॉलीपेप्टाइड। ये का जो आंसर आता है दैट इज़ होमो पॉलीपेप्टाइड आता है। ओके, किसका? ए का। और अगर बी की बात की जाए, बी में क्या आ रहा है सीक्वेंस? ए बी ए बी ए बी। तो यहाँ पे हम ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में इसका डिस्कस करते हैं। ओके, ऐसा ए बी, तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे ए बी ए बी ए बी ऐसा आ रहा ना, ये अलग है, ये दूसरा अलग है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए, मतलब ये अलग अलग आ रहे ना। मतलब ये क्या है फिर, यहाँ पे क्या आएगा? डिफरेंट कोडॉन आ रहे, डिफरेंट कोडॉन आते हैं। और अगर डिफरेंट कोडॉन है तो यहाँ पे नो डाउट क्या आएंगे? डिफरेंट अमीनो एसिड भी आएंगे ना। डिफरेंट क्या आएंगे? डिफरेंट अमीनो एसिड भी फॉर्म होंगे। और अगर डिफरेंट अमीनो एसिड फॉर्म होते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेटरो पॉलीपेप्टाइड। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है? ए से बन रहा है होमो पॉलीपेप्टाइड, और बी से क्या बन रहा है? हेटरो पॉलीपेप्टाइड। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर आता है दैट इज़ 3 आता है, होमो पॉलीपेप्टाइड एंड हेटरो पॉलीपेप्टाइड। सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।